दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जॉन पे, और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, जनरली मारुति की गाड़ियों से ये उम्मीद की जाती है कि उसमें अच्छा एवरेज मिले, और साथ साथ में ये भी उम्मीद की जाती है कि उसके जो छोटी गाड़ियाँ आती है, जैसे वैगनार है, सेलेरियो है, इग्निस है, वो सारी गाड़ियाँ हैं, हमें सीएनजी के साथ मिले। क्योंकि आज के टाइम में सबसे सक्सेसफुल सीएनजी की जो गाड़ियाँ हैं वो है मारुति की कंपनी फिटेड सीएनजी की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा आती है, और सबसे सक्सेसफुल गाड़ी जो है सीएनजी में मारुति की गाड़ी हैं। तो दोस्तों, अभी से रिसेंटली जो है सेलेरियो लॉन्च हुई है, नई सेलेरियो लॉन्च हुई है, और उससे जो है काफ़ी उम्मीद थी कि वो है सीएनजी वेरिएंट के साथ आएगा, क्योंकि जो इसकी जो थी इंडिया के मोस्ट फ्यूल इफिशियंट कार के तौर पे उसको दिया गया है, प्रेजेंट किया गया है। बट सबको ये उम्मीद थी, जब एग्जिस्टिंग सेलेरियो है वो जो कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आती है, तो न्यू सेलेरियो भी है कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आएगी, जिससे जो है आज के टाइम में पेट्रोल डीजल के दाम जो इतने बढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, और उसके अंदर जो है हमें और अच्छी जो है एवरेज देखने को मिल जाएगी। बट अभी तक जो है सेलेरियो का सीएनजी वेरिएंट लॉन्च नहीं किया गया है, उसमें केवल 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही लॉन्च किया गया है, जो हमारा जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है, जो K10C सीरीज़ के साथ आया है, जो ड्यूल VVT टेक्नोलॉजी के साथ आया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी सेलेरियो के अंदर जो है अभी तक सीएनजी वेरिएंट क्यों नहीं लॉन्च किया गया है, उसके बाद में अगर आएगा तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है आने की, और उसके अलावा दोस्तों कब तक जो है ये आ जाएगा हमारे पास, अगर मार्केट में अगर सीएनजी वेरिएंट आता है सेलेरियो का, तो कब तक जो है इसके अंदर जो है सीएनजी वेरिएंट आएगा, उसके अलावा दोस्तों कितना प्राइस जो है हमें सीएनजी वेरिएंट में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, उसके अलावा दोस्तों सीएनजी वेरिएंट में हमें कितनी एवरेज मिल जाएगी, और दोस्तों अगर हम आज के टाइम में आफ्टर मार्केट अगर सीएनजी लगाते हैं सेलेरियो के अंदर, तो क्या वो फिट रहेगी या नहीं रहेगी, क्या वो सही बैठेगी या नहीं बैठेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे डिटेल के अंदर कि मारुति सुजुकी सेलेरियो के अंदर सीएनजी का क्या रोल है, क्या कंडीशन है, क्या आगे का वो है फ्यूचर है। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक जो है 98% व्यूअर्स है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा क्या रीज़न रहा कि अभी तक जो है सेलेरियो के अंदर जो है सीएनजी वेरिएंट लॉन्च नहीं किया गया। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, वो है इसका इंजन। इसके अंदर जो आपको जैसे पता है ये K10C सीरीज के साथ आया है, जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ नया इंजन है दोस्तों। ये इंजन आपका जो है 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता है, इसको 3 सिलेंडर इंजन करके इसके अंदर जो है 6 इंजेक्टर, दो दो इंजेक्टर के 3 सिलेंडर लगाए हैं, तो 6 इंजेक्टर मतलब ड्यूल इंजेक्टर के सिलेंडर इसके अंदर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस वजह से जो है इस टेक्नोलॉजी के अंदर अभी तक जो है मारुति वालों के पास जो है सीएनजी वेरिएंट के साथ ये फिटिंग नहीं हो पाई है। ये नई टेक्नोलॉजी है और इसके ऊपर जो है उनका काम चल रहा है। अभी तक आपने देखा होगा डिज़ायर के अंदर काफ़ी जो डिमांड है सीएनजी की, बट अभी जो है हमारा टूर जो वेरिएंट आता है स्विफ्ट डिज़ायर का, उसी के अंदर जो है हमें सीएनजी वेरिएंट मिलता है, बट डिज़ायर के अंदर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहाँ पर भी जो है ड्यूल इंजेक्टर यूज़ किया गया है, तो इस वजह से वहाँ पर भी जो है हमें सीएनजी वेरिएंट नहीं देखने को मिला, और वही जो सेम इंजन है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है 3 सिलेंडर के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है एवरेज ज़्यादा करने के चक्कर में इसकी थोड़ी सी और कम कर दी, और इसके अंदर जो है 3 सिलेंडर इसको इंजन कर दिया। बट इसका जो इंजन है वो आपका K10C सीरीज़ का न्यू टेक्नोलॉजी का इंजन है। तो दोस्तों, इसी वजह से इस इंजन के साथ अभी तक जो है मारुति वालों के पास जो है सीएनजी फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है। इस वजह से जो है अभी तक जो है सीएनजी मार्केट में नहीं आ पाई है, जो अभी तक जो है न्यू सेलेरियो है सीएनजी के साथ जो है मार्केट में नहीं आ पाई है। तो अगर मैं आपको इसके अंदर जो नेक्स्ट बात करूँ इसकी कि क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है सीएनजी आने की मार्केट में, तो दोस्तों डेफिनेटली इसकी जो है सीएनजी आने की पॉसिबिलिटी है। आपको अगर मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूँ तो वो है इसका बूट स्पेस, और इसके अंदर जो पेट्रोल लीड आप खोलोगे उसके साइड में जो जगह दी गई है वो सेम जो बूट स्पेस है वो आपको जो नीचे काफ़ी नीचे गहराई में दिया गया है, और वही सेम बूट स्पेस आपको जो है वैगनार के अंदर देखने को मिल जाता है, और उसके अंदर जो सीएनजी फिट करने के बाद में जो है आपको अच्छी खासी जगह ऊपर आराम से मिल जाती है, और वही सेम जैसे फ्यूल लिड जहाँ से फिल करते हैं वहाँ पर जो है आपको एक साइड में अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, जहाँ पर आफ्टर जो कंपनी है नेक्स्ट जब आएगा सीएनजी तो उसके अंदर जो है वहाँ से सीएनजी फिलिंग का आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। इससे दोस्तों ये लगता है कि मार्केट के अंदर जो है बहुत ही जल्द है जो कंपनी फिटेड सीएनजी सेलेरियो के अंदर आने वाले। इसके अलावा दोस्तों, एक इंजन का अगर इनको करना होगा तो ये जो कहीं ना कहीं जो है वैगनार वाला इंजन है वो इसके अंदर शिफ्ट करके, क्योंकि इनको ड्यूल इंजेक्टर वाला अभी तक जो है टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो ये वैगनार वाला
इंजन है वो इसके अंदर यूज कर सकते हैं फॉर सीएनजी पर्पज। तो दोस्तों ये था पॉसिबिलिटी, इसकी क्लियरली पॉसिबिलिटी दिख रही है क्योंकि इन्होंने इतना अंदर जो बूट स्पेस दिया है वहाँ पे सीएनजी का सिलेंडर रख दिया जाएगा और ऊपर साइड में आपका वो है टायर रख दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा व्हील आता है और उसके ऊपर आराम से सामान रखने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं इसके टाइमलाइंस की कब तक जो है इसका जो सीएनजी वेरिएंट है मार्केट में आ जाएगा, दोस्तों अभी तक जो है इसका टेस्टिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लग सकता है, पॉसिबिलिटीज़ जो है बहुत कम है जल्दी से जल्दी आने की, बट हम ये उम्मीद कर सकते हैं अप्रैल या मई के आसपास 2022 में इसका जो सेलेरियो का सीएनजी वेरिएंट हमें जो है देखने को मिल सकता है मार्केट के, क्योंकि इसकी आरएनडी करनी पड़ेगी दोस्तों, इसके अंदर जो पूरी टेस्टिंग वगैरह जो है करनी पड़ेगी। और अगर मैं दोस्तों इसके वेरिएंट की बात करूँगी तो कौन से वेरिएंट में जो है सीएनजी हमें देखने को मिल जाएगा, तो जनरली दोस्तों जैसे आपने देखा होगा वैगनआर के अंदर जो सीएनजी आता है वो सेकंड टॉप वीएक्सआई या फिर वीएक्सआई के अंदर आता है, और भी गाड़ियों में जैसे हमारी भारती की गाड़ियों में जो सीएनजी आता है वो सेकंड बेस वेरिएंट में आता है जो हमारा वीएक्सआई जो जनरली हमें देखने को मिल जाता है, और वैगनआर में भी आता है, अब तो अर्टिगा में भी जो है सीएनजी देने लग गए हैं, ये सेलेरियो में पहले वाली सेलेरियो में भी सीएनजी आता था। तो दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ कि कितना प्राइस हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो दोस्तों अभी जैसे सेलेरियो जो अगर बेस वेरिएंट के अंदर आता है सेलेरियो जो 499 है उसके अंदर तो सीएनजी देंगे नहीं, उसका कम प्राइस रखने के चक्कर में उसको सीएनजी देंगे, उससे ऊपर वाले में सीएनजी देंगे तो उसके अंदर आप ये मान के चलो कि 40 to 50,000 रुपीज़ आपको जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर सीएनजी वेरिएंट। और दोस्तों अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूँ तो दोस्तों अभी भी सेलेरियो है वो एआरई सर्टिफाइड मोस्ट फ्यूल इफिशियंट कार है जो 26.68 के आसपास जो है एवरेज क्लेम की गई है एआरआई सर्टिफाइड, और अगर इसके अंदर सीएनजी वेरिएंट आ जाता है तो आप ये मानिए इसकी जो है 36 to 38 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से जो है इसकी एवरेज हमें जो है देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर अगर सीएनजी ये 3 सिलेंडर इंजन है 1 लीटर इंजन है तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी जो है हमें एवरेज देखने को मिल जाएगी सीएनजी के अंदर, जो अभी करंटली वैगनआर के अंदर भी हम देखते हैं 32-33 KMPL पर KG के आपसे जो है हमारी जो है एवरेज आती है। तो दोस्तों ये था इसका CNG का मैंने सारा कैलकुलेशन आपको बता दिया कि कब तक ये आएगा। दोस्तों इसके अलावा जो मेजर पॉइंट आता है अगर हम आज के टाइम में आफ्टर मार्केट CNG लगाते हैं तो वो कितनी फिट होती है, हालांकि आपके पास अच्छा खासा बूट स्पेस है आप इंजन के अंदर लगा दोगे, बट दोस्तों अभी भी जो है आप वो तो आफ्टर मार्केट वाले दोस्तों एक्चुअल में अभी तक तो जो 2 इंजेक्टर पर भी है वो नहीं लगा पाए हैं जो पुराना वाला इंजन था, अब इसके अंदर जो है नया इंजन आ गया तो इसके अंदर एक बार आपको हालांकि चला के दे देंगे, बट अभी तक जो है मेरा ये मानना है कि आप वेट कीजिए नेक्स्ट जो सीएनजी वेरिएंट आएगा इसका सेलेरियो का उसके साथ आप जाइए, रेदर देन आप इसका जो है हमारा आफ्टर मार्केट लगाओ, क्योंकि आफ्टर मार्केट में वो है 2 जो ड्यूल इंजेक्टर जो आते हैं इसके इंजन के अंदर उसके अंदर जो है सीएनजी का तामझाम काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स है वो फ्यूचर में आएगी, हालांकि स्टार्टिंग में वो एक बार आपको गाड़ी चला के दे देंगे फिटिंग करके दे देंगे बट काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये था मारुति सुजुकी सेलेरियो के सीएनजी का पूरा कैलकुलेशन, मैंने आपको बताया क्या कुछ है इसका जो फ्यूचर के अंदर क्या चांसेस हैं कितनी पॉसिबिलिटीज है क्या प्राइस वगैरह है। तो दोस्तों ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद दोस्तों।